दोस्तों, नौजवान साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं मालिक योग से संबंधित विषय लेकर आया हूँ। दोस्तों, मालिक शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई मालिक न हो, परंतु यहाँ हस्तरेखा के आधार पर सांसारिक मालिक से है। दोस्तों, आज मैं मालिक योग अर्थात धनी व्यक्ति, अच्छे पद पर आसीन, समाज में प्रतिष्ठित, सम्मान पाने वाला, समाज का नेतृत्व करने वाला, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा अच्छे व्यक्तियों से है, जिन्हें अक्सर मालिक संबंधों शब्दों से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति के हाथ में राहु अर्थात यह है राहु का स्थान, राहु को छोड़कर सभी प्रवक्त बलवान हो, जैसे चंद्र पर्वत, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, मंगल और शुक्र अर्थात सातों पर्वत बलवान हो, तो ऐसे में मालिक योग बनता है। मालिक योग से लाभ। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति के हाथ में मालिक योग होता है, वह व्यक्ति राज्य में ऊंचे पद पर स्थापित होता है तथा वह समाज का नेतृत्व करने वाला, समाज में सम्मान पाने वाला होता है। नंबर दो, सातों पर्वत से अर्थात चंद्र, बुध, सूर्य, शनि, गुरु, मंगल और शुक्र, सातों पर्वत बलवान हो तो मालिक योग बनता है। दोस्तों, हथेली में किसी एक पर्वत का विशेष रूप से बलवान होता है, उस पर्वत का आधिपत्य उस हाथ पर होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, यदि गुरु पर्वत जिस किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत के साथ सूर्य मालिक योग हो, वह शासन करने में नेतृत्व करने वाले होते हैं। दोस्तों, गुरु पर्वत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मालिक योग कहा जाता है। इसी प्रकार सूर्य मालिक योग, चंद्र मालिक योग आदि हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर एक में सूर्य मालिक योग, यह है सूर्य पर्वत। जिस किसी हाथ में
सूर्य मालिक योग हो वह व्यक्ति संसार में महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित करता है तथा अपने प्रयत्नों से सचिव के पद पर पहुंच जाता है। दोस्तों आज बस इतना ही, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। आगे के वीडियो का इंतज़ार करते रहें। दोस्तों मैं कर्मबद्ध तरीक़ा से आपको दिखलाता रहूँगा। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं संत श्री कृष्ण भगत परसौनी, जिला सीतामढ़ी, बिहार, जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप बराबर वीडियो को देखते रहें, मैं नए नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा।